उत्तर प्रदेश बाराबंकी में सुनियोजित ढंग से अल्फा कंपनी के पार्टनर नयन चौधरी हत्याकांड मामले का खुलासा सीओ हैदरगढ़ के नेतृत्व में एसएचओ अजय प्रकाश त्रिपाठी हैदरगढ़ द्वारा सविलांस और थाना हैदरगढ़ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दूसरे पार्टनर अभियुक्त को गिरफ्तार कर कब्जे से पिकअप और तपंचा बरामद कर सनसनी वारदात का खुलासा कर अभियुक्त को जेल भेजा। ये सनसनीखेज वारदात 25 जनवरी को ये दिल दहला देने वाली घटना लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे के बजाज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास वैकल्पिक मार्ग अवसानेश्वर मोड़ रोनी अंडरपास पर गोली मारकर हत्या की गई। मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को उत्साह के लिए पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के द्वारा 20,000 का नकद पुरस्कार इनाम भी दिया गया। नव भारत समाचार से जितेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। और उन्होंने तुरंत वहाँ पे जो जो जिसने इंफॉर्मेशन दिया था उससे बातचीत किया और तुरंत उसकी जो पत्नी है जो मृतक की उससे भी इस घटना के संबंध में उनको अवगत कराया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर तुरंत 302 भादवी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार जैसा कि इंफॉर्मेशन आई थी कि जो उसके साथ मृतक नयन कुमार चौधरी के साथ एक व्यक्ति और था जिसका नाम राहुल था। उसने बताया कि जैसे ही वो पिकअप से उतरे, एक गाड़ी थी, वाहन थी, उसे जैसे ही वो उतरे रोनी बाईपास के पास, अचानक से एक व्यक्ति आया जिसको जो शैलेंद्र नाम का था और उसने इसको फायर किया और उससे उसकी डेथ हो गई है। तो लेकिन जो इंफॉर्मेशन जिससे प्राप्त हुई थी उसके कथन में और जो अन्य जो सुसंगत साक्ष्य थे उसमें भिन्नता पाई गई। फिर हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक टीम है, सर्विलांस टीम है, इसको भी वहाँ पे इसको विनियोजित किया गया और उससे यह ज्ञात हुआ कि जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा था कि ये शैलेंद्र नाम का व्यक्ति ने हत्या किया है, वहाँ उसका होना नहीं पाया गया। अन्य सुसंगत साक्षियों, उनके परिवारजनों, जो मृतक के परिवारजनों तथा कंपनी के जिस कंपनी में काम करते थे उससे यह ज्ञात हुआ कि ये जो अब जिसने सूचना दिया था वास्तव में इसके पिता के नाम से एक वाहन फाइनेंस हुआ था और उस वाहन के फाइनेंस में जो पैसा का विनियोग किया गया था वो मृतक की पत्नी के द्वारा भी किया गया था। ये जो अभियुक्त है राहुल मौर्या, ये चाहता था कि ये अब नयन कुमार चौधरी को रास्ते से हटा दें और फिर उस